हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कॉइन की जिसको हमने आपके साथ लगभग 10 दिन पहले शेयर किया था, और अगर आपने उस टाइम उस कॉइन में एंट्री ली होगी तो आज आप उस कॉइन से एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग इस टाइम यहाँ पर एंट्री के बारे में हमने आपको बताया था, उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर रैली आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसका जो प्राइस था लगभग 0.00079 पर ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये NUSD है दोस्तों, और अगर अभी आप देखें तो यहां पर एक जीरो भी हट गया, 0.00002 की रेंज में ये पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंजा कॉइन की। काफी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट अपडेट्स यहां पर इनके इकोसिस्टम में से देखने को मिल रही है। मतलब कई बड़े एक्सचेंजेस इसे लिस्ट करने वाले हैं, और कितनी क्वांटिटी में आपको इस कॉइन को बाय करना चाहिए जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस कॉइन से अर्न कर सके, सारी अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और अगर हम अभी इसका प्राइस देखें, 0.00002 पर ये ट्रेड कर रहा है, 12% यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है इसके प्राइस में से। आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी रैलियाँ यहाँ पर देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है और ये नीचे की ओर आया हुआ है। फिर भी अगर आप देखें तो थोड़ा रिकवर करना इसने यहाँ पर शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें 24 आवर्स लो की तो 20 तक ये गया है। हाइएस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29 तक इसने टच किया, और अभी ट्रेड कर रहा है 26 पर। और अगर अभी भी आप देखें तो ट्विटर पर आपको ट्रेंडिंग में देखने को मिलेगा सिंजा 89,000 ट्वीट्स के साथ, मतलब लगभग 90,000 ट्वीट्स यहां पर इससे रिलेटेड किए गए हैं। और अगर हम बात करें इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तो यहां पर काफी सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। और इसके प्राइस में इतना इंपैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों यहां पर इसकी लिस्टिंग जो लगातार हो रही है, और एक और बड़े एक्सचेंज के द्वारा यहां पर इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है लिस्टिंग की। हम बात कर रहे हैं यहां पर एल बैंक की, जिसने यहां पर ट्वीट करके जानकारी दी है, सिंजा शिव नोबी विल बी लिस्टेड ऑन एल बैंक। अब दोस्तों, कुछ लोगों को यह लग रहा है कि यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपका पैसा डुबो दे। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जितना हमने इसे सर्च किया हुआ दोस्तों, काफी यहां पर अच्छी अपडेट जो है वो निकल आ रही है, और अगर आप देखें तो काफी ज्यादा सपोर्ट्स भी मिल रहा है, और यहां पर नए नए एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन आप देख सकते हैं इसकी खासियत जो है वो आज के समय में यही है कि ये नए नए एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा है, मतलब आने वाले टाइम में एल बैंक इसे लिस्ट करेगा। अगर हम डेट की बात करें वो भी आप देख सकते हैं, लगभग 29 तारीख को डिपॉजिट ओपन हो जाएंगे, ट्रेडिंग ओपन होगी 30 जनवरी को, और विड्रॉल जो होगा 31 जनवरी को ओपन होगा। मतलब 31 जनवरी के आसपास यहां पर आप देख सकते हैं जो विड्रॉल है वो ओपन हो जाएगा। एल बैंक एक काफी बड़ा एक्सचेंज है, लगभग 143,000 फॉलोअर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो 4 और एक्सचेंजेस लिस्ट में हैं जो इसे लिस्ट करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो काफी बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, और ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा एक्सचेंज यहां पर सिंजा से रिलेटेड ट्वीट कर रहा है, कैन समवन एक्सप्लेन व्हाट सिंजा इज। जहां पर इस एक्सचेंज को अगर आप देखें, बीटगेट ग्लोबल जिसने अभी फिलहाल में बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट किया हुआ है, 118K फॉलोअर्स, लगभग 118,000 फॉलोअर्स इनके ट्विटर हैंडल पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसने भी यहां पर सिंजा से रिलेटेड ट्वीट किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक और ट्वीट यहां पर 6 आवर्स पहले इनके द्वारा किया गया है, डू यू लाइक सिंजा। तो कहीं ना कहीं सिंजा से रिलेटेड ट्वीट इनके द्वारा किए जा रहे हैं, तो हो सकता है सिंजा को ये लिस्ट करने का प्लान करते हुए नजर आ जाए, मतलब इनके द्वारा भी यहां पर सिंजा कॉइन को लिस्ट किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीटगेट का एक और ट्विटर हैंडल जो यहां पर ट्वीट कर रहा है, और अगर आप देखें इन्होंने यहां पर ट्वीट करके एक पोल ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस पोल को हम यहां पर ट्रांसलेट करते हैं, विच आर्मी इज स्ट्रॉन्गर, और अगर आप देखें सिंजा को यहां पर 51% वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बीटगेट भी यहां पर एक और एक्सचेंज बन सकता है जो आने वाले टाइम में सिंजा को लिस्ट कर दे। अब अगर आपको इसे बाय करना है तो आप हॉटबिट से बाय कर सकते हैं, यूएसडी के पेयर में वहां पर अवेलेबल नहीं है, NUSDT के पेयर में अवेलेबल है, तो USDT को NUSDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बीट मार्ट पर डायरेक्टली आप उसे बाय कर सकते हैं, वहां पर USDT के पेयर में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर जो सपोर्टर्स है शिबा इनू के, उनका भी सपोर्ट सिंजा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम INR में इसका प्राइस देखें तो अभी आप देख सकते हैं इसके प्राइस में आपको लगभग 11,000 देखने को मिलेंगे। तो कितने कॉइन आपको बाय करना चाहिए अगर यहां पर इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको अर्न करना है, क्योंकि अगर आप देखें अभी लगभग 10% डाउन में चल रहा है, मार्केट रैंक 2843 है, वॉच लिस्ट लगभग 70,000 के आसपास है, होल्डर्स अगर आप देखें लगभग 52,000 के आसपास हो चुके हैं, मतलब उसको भी पार कर चुके हैं। इसके अलावा यहां पर हम देख लेते हैं ऑल टाइम हाई से कितना कम चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो ये लगभग 16%, मतलब बहुत
बहुत जल्द ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लेगा। तो उन लोगों ने जहां पर ऑल टाइम हाई पर इसे बाय किया था उनका पैसा फिर से रिकवर हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है क्योंकि प्राइस काफी कम है। और अगर आपको बाय करना है तो कितना अमाउंट आप बाय करें ज्यादा बेटर होगा, तो हम यहां पर देख लेते हैं कैलकुलेशन की। 1000 रुपए भी अगर आप लगाते हैं तो कितना आपको यहां पर कॉइन मिलता है, तो 1000 रुपए में यहां पर गिनती दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब यहां पर काफी ज्यादा संख्या में आपको कॉइन मिल रहे हैं। अगर हम देखें संख्या तो हो रही है लगभग यहां पर 15 के आसपास, तो 15 नंबर्स में आपको यहां पर कॉइन्स मिल रहे हैं 1000 रुपए अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक काफी बड़ी क्वांटिटी। और अगर इसके प्राइस में से 2 जीरो यहां पर किल होते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कुछ बड़े एक्सचेंजेस जो फरवरी में इसे लिस्ट करेंगे, उसके अलावा 160 टिलियन बर्निंग जो लगातार होगी, क्योंकि इससे पहले यहां पर 50,000 होल्डर्स पे 160 टिलियन बर्न हुआ। इसके अलावा इनकी टीम की तरफ से एक और ट्वीट किया गया कि अगर ये 1800 के रेंज को होल्ड करके रखता है तो फिर से 160 टिलियन कॉइन को बर्न किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने कॉइन्स आपको यहां पर मिल रहे और 2 जीरो यहां से किल हो गए, तो 1000 के आपके जो अमाउंट है वो अच्छा खासा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये कॉइन आपको निकाल कर दे सकता है। 500, 1000, 2000 ये आप पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप यहां पर लगाते हैं। थोड़ा रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही आपको किसी भी कॉइन में एंट्री लेना है, चाहे वो शिब नो भी हो चाहे वो BTC हो। और अगर हम देखें सिंजा एक मीम कॉइन है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें इनिशियल स्टेज में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए आ चुका है। 4 से 5 एक्सचेंजेस जो आने वाले कुछ टाइम में लिस्ट करने वाले हैं, जिसमें बीटगेट भी है, उसके अलावा gate.io भी है, तो काफी बड़े एक्सचेंजेस जो लिस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्राइस जो है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप देखें तो सिंजा में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी। लगभग यहां पर इसका प्राइस लास्ट 10 या 11 डेज में अगर आप देखेंगे तो 70 से 100% के आसपास बढ़ा हुआ है, तो काफी ज्यादा यहां पर प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग्स अभी बाकी है। तो दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।